नमस्कार दोस्तों, आपका प्रगति मीडिया टीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2022 के इलेक्शन को लेके हर पत्रकार, चाहे प्रशासन का हो चाहे पत्रकारिता की बात हो, हर कोई अपने कर्तव्य और नागरिकता को हर कोई अच्छे से निभा रहा है। इस समय प्रशासन जोरों शोरों से लगा हुआ है कि वह इलेक्शन को ढंग से पूर्ण करवा सके और आचार संहिता का पालन करते हुए राजनेता व प्रशासन हर तरीके से प्रयास कर रहा है। भारत के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, इसको लेके प्रशासन चाहे पत्रकार हो, हर कोई अपने मीडिया को फेमस करने के लिए या लोगों के बीच पहुंचने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। इस समय पत्रकारों को किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, इससे पहले कि हमने वीडियो में कुछ बताया था, आचार संहिता के समय किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए, पत्रकारों को अपनी रिपोर्टिंग के समय किन किन बातों को किस किस बात पर फोकस करना चाहिए, इसके बारे में भी हमने बताया था। कोरोना काल का समय है, इस समय पत्रकार को हमेशा कोरोना काल के समय का भी ध्यान रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंस और मास्क का भी उसको यूज करना चाहिए। अब बात आ जाती है इलेक्शन कार्ड की, इलेक्शन पास की। हमारे पास काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमको इलेक्शन पास चाहिए, या हमको इलेक्शन पास अगर चाहिए तो हमको किस तरीके से मिल सकता है, उसका हमको आप प्रोसेस बताइए। हाँ, कुछ हमारे प्रगति मीडिया के सदस्य रहते हैं, कुछ हमारे प्रगति मीडिया से भी हटके सदस्य रहते हैं जो इलेक्शन पास के लिए बोलते हैं। इलेक्शन पास के लिए आपको बता दें कि इलेक्शन पास जो मिलता है इसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। जब चुनाव का समय आता है, जब वोटिंग होती है, तो आप इलेक्शन पास के द्वारा अंदर तक जा सकते हैं और जहां काउंटिंग होती है वहां तक भी आप उसकी कवरेज वगैरह करना चाहें तो कवरेज कर सकते हैं। ये इलेक्शन पास जो बनता है वो डीएम ऑफिस से या फिर आपके जो पीआर ऑफिस होता है वहाँ से ये जारी किया जाता है। इसके लिए कुछ प्रोसेस होता है, लेटर्स वगैरह, या ये उन लोगों को दिया जाता है जो मीडिया में रेगुलरली रहते हैं। पीआरओ ये भी समझता है जो रेगुलर नहीं है, या बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इलेक्शन पास बनवाने के लिए ही जाते हैं, पीआरओ उनके लिए वह जल्दी से जल्दी इलेक्शन पास नहीं जारी करता है। अगर आपकी जान पहचान है या पीआरओ में ऑलरेडी आप कॉन्टैक्ट में हैं तो आप इलेक्शन पास जारी करवा सकते हैं। अब बात आ जाती है, कुछ लोग कहते हैं सर हमारे पास तो इलेक्शन पास नहीं है, अब हम कैसे करें, कैसे रिपोर्टिंग करें, हम तो कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो मैं उन भाइयों को, उन साथियों को, उन पत्रकारों को मैं बताना चाहूँगा, इलेक्शन पास इतना कंपलसरी नहीं है आपकी रिपोर्टिंग करने के लिए। वो बस इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप अंदर रिपोर्टिंग, जब वोटिंग होती है उस समय आप कवरेज वगैरह कर सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी होता है। अगर आपके पास इलेक्शन पास नहीं है तो आप बाहर से भी अपनी कवरेज कर सकते हैं, जब वोटिंग होती है वहाँ से भी आप अपनी कवरेज कर सकते हैं, उससे पहले भी काफ़ी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आप जो नेता, जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, जो भी उम्मीदवार लड़ रहे हैं, उनके बीच में आप जाके उनसे आप उनकी मत जान सकते हैं, आप लोगों की राय जान सकते हैं, आप मार्केट या समाज के बीच में लोगों के क्या, उम्मीदवारों के क्या मत है उसके बारे में आप जान सकते हैं। बहुत सारे हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, बहुत सारा ऑप्शन, बहुत सारा आपके पास एक एरिया आ जाता है जहां आप अपनी रिपोर्टिंग या मीडिया का आप प्रचार कर सकते हैं। लेकिन आप इलेक्शन पास की वजह से अगर आप रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपका ही कमी है, जिसकी वजह से आपको एक पॉइंट मिल गया रिपोर्टिंग ना करने का। आप बिना रिपोर्टिंग के भी अगर आपके पास मीडिया माइक है या आपके पास और भी काफ़ी सामान है जिनके द्वारा आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, आप समाज के बीच में जाएं और आचार संहिता का आप जरूर पालन करें। आचार संहिता के समय मतलब आप किसी को ये ना कहें कि आपको किसको कितनी वोट मिलने वाले हैं, या आप उसी प्रत्याशी को बोले कि भैया आप इसी को वोट दीजिए, इसका आप उल्लंघन ना करें जिससे कि आपको खिलाफ में कोई कार्रवाई की जाए। आप आचार संहिता का पालन करते हुए, आप समाज के बीच में रहते हुए आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास में इलेक्शन पास मिल जाता है, अगर आपको पीआर ऑफिस की तरह से, तो आप उसका भी मर्यादा रखें और उसको आप नियम बा तरीके से ही उसका पालन करें। धन्यवाद।